आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम देश की राजनीति को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर बात करते हैं। देश के बड़े बड़े नेता, आम जनमानस से लेकर सभी की राय हम आपको आईपा के माध्यम से दिखाते हैं। इसी क्रम में हम खेड़ी गांव के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोलिंग के वोटरों से बात करेंगे और उनकी स्थानीय समस्या और उनके जो भी रिव्यू, उन्होंने जो भी स्थानीय समस्याएँ हैं उनकी युवाओं की, क्योंकि युवा 2022 आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए युवाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। खेड़ी गांव के युवाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। आपका शुभ नाम नितिन? सतीश कुमार। जैसे आप युवाओं का नेतृत्व करते हैं, इसको मैनेज करने में एक मेन पावर चाहिए होती है, उसका अरेंजमेंट, और क्योंकि बहुत से इश्यूज आते हैं, क्योंकि युवा एक थोड़ा गर्म स्वभाव के भी होते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, वो तो बच्चों का बड़प्पन है कि कोई भी बात हम करते हैं तो वो हमारी बात को टालते नहीं है। जैसे क्या क्या कोई समस्या आपने फेस की होगी, कोई माइनर छोटी छोटी समस्या? जैसे जो भी समस्या होती है उसको बैठ के आपस में समाधान कर लेते हैं दोनों। अब बात करते हैं हम गांव खेड़ी की, यहाँ की जो रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर आप क्या महसूस करते हैं मौजूदा स्थिति में? जी, मौजूदा स्थिति में हमारे यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से किसी भी तरह, सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई हमको मदद नहीं मिल पाई आज तक। ना हमारे गांव में बारात घर है, ना स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि हमने डॉक्टर महेश शर्मा जी ने लेटर लिख के दिया, अथॉरिटी में दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और गांव के अंदर इतनी गलियां हैं कि जिनमें आज तक RCC नहीं हुई, और जो पाइपलाइन डली हुई है सीवर की वो आज तक चालू नहीं हुई, पानी की लाइन डली हुई आज तक चालू नहीं, रोड इतने बेकार है कि पूछो मत, निकल नहीं सकते। जैसे आपने स्थानीय लोगों की सहयोग से एक पुस्तकालय का निर्माण किया है सामाजिक लोगों की मदद से, तो क्या आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से शिक्षा की कोई कमी महसूस हुई है? सरकार की तरफ से जब हमको किसी तरह की मदद ही नहीं मिली तो कमी तो है ही। ये तो, ये हमारे छोटे प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय है खेड़ी नंबर 1-2, हमारे गांव में स्कूल काफ़ी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, रूम नहीं है, क्योंकि आंगनवाड़ी को दे रखा है कि रूम है, दो रूम है, उनमें उनको हर चीज़ देखनी पड़ती है, ना टीचरों की अच्छी व्यवस्था है और ना ही सरकार की तरफ से क्लासरूम, जैसे बच्चों की क्लास लगती हुई तो वो रूम है नहीं, आप बता दें तो कहाँ, खुले मैदान नहीं, खुला, दो कमरे हैं, दो कमरों में बच्चों का जब तक पढ़ाई को देखेंगे नहीं। आजकल दे प्राइवेट स्कूल है, वो खर्चा करते हैं, इसीलिए लोग उनमें ज़्यादा अपने बेटर समझते हैं। लेकिन दिल्ली का तो इसके पलट माहौल है, वहाँ सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट जैसा माहौल है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है? यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पर तो टीचर के लिए भी मांग करते हैं तो वो भी आयोग से जल्दी से नहीं आ पाते। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज में कई टीचरों की मांग की है, अभी फिलहाल 2 टीचरों की, 1 टीचर की ज्वाइन हुई है ड्राइंग से। इस संबंध में आपने स्थानीय विधायक हैं जो नागर जी, उनको अवगत कराया क्या? जी, नागर जी हमारे विधायक इतने अच्छे हैं कि वो गांव में आज तक किसी भी समस्या के लेटर लिख के दे देते, लेकिन लेटर पे कोई सुनवाई नहीं होती, ना आज तक झांके हैं गांव में, ना उन्होंने आज तक गांव में एक भी काम कराया है, ना कोई खेल का स्टेडियम है, किसी भी तरह का मदद के लिए जाते हैं और ये और बोलते हैं कि हाँ जी नौकरी मेरे पास में रखी। बच्चे काफ़ी बेरोजगार है, सब जो भी कोई जाता है आश्वासन दे देते, लेटर लिख के दे देते, लेटर को कोई सुनता नहीं है, ना शासन ना प्रशासन कहीं भी। अगर उनकी टिकट इस बार फाइनल होती है तो क्या आप उनसे विधायक होने के नाते इन सब चीज़ों के जवाब मांगेंगे अगर वो क्षेत्र में आएंगे? उसके लिए अगर विधायक तेजपाल नागर जी आते हैं तो उनके लिए एक भी वोट नहीं है, वो अगर समर्थन में भी आते हैं तो भी अपने उनको यहाँ से भगाया जाएगा। ऐसा क्या कारण है जो इतनी नाराजगी? विधायक का काम क्या होता है? विधायक का काम है कि हमने वोट दिया उनको, वोट दिया तो काम भी तो कराना है उनको। अब पैसे ले लेकर के कुछ लोगों को लगवा देते हैं, और उसका लड़का दीपक है वो पैसे लेकर के सैमसंग में काफ़ी लोगों को लगाया, अब किसी के पास, हर बच्चे के पास पैसे थोड़ी है, विधायक बनाया, वोट दी है, ठीक है कि हाँ कुछ ना कुछ काम तो करो, हर गाँव से 10-10 बंदे भी लगाएगा तो भी कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ एक स्थानीय समस्या है, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार हैं, यहाँ शिक्षा के अभाव में नहीं लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार युवा आपके सामने हैं चारों तरफ। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा चारों तरफ फोकस करके एक बार दिखा दें, जो शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं और अपने रोजगार की तलाश में दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे भैया से। भैया आपका शुभ नाम? प्रशांत कुमार। आप क्या करते हैं?
ऐसी कंपनी में ड्यूटी करते हैं। कौन सी कंपनी? 8,000 रुपए की ड्यूटी के ऊपर सिफारिश लगानी पड़ती है जी, पता ना किस किस की। जब भी वो लेते नहीं है, एक लोकल का वो लगा रखे है स्टैम्प की, लोकल ही नहीं लेंगे। 8,000 की जब आपने ज्वाइनिंग करी थी, किसकी सिफारिश? यहाँ के नेताजी एक दादरी के, ये वो करते हैं उनकी सिफारिश के। पैसे वैसे नहीं? पैसे वैसे तो लिए नहीं थे, बस उन्होंने बोली थी चले जाओ वहाँ, 8,000 की ड्यूटी के ऊपर इतने डोलना पड़ा है। 2 महीने डोला हूँ मैं, 2 महीने जब जाएगा 8,000 रुपए की ड्यूटी। आप क्या चाहते हैं, इसमें कैसे बदलाव होगा, आपका क्या राय है? बदलाव ऐसे होगा, जैसे बाहर के जो कंपनी आई हुई है हमारे यहाँ, हमारी जमीन है, हमारा सब कुछ हमारा है, पर हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एटा मैनपुरी साइड के ले रहे हैं, बिहारी जितने भी है उन्हें भर रहे हैं कि ये इन्होंने 300 किलोमीटर दूर के बंदे ले रहे हैं। हम जाते हैं, ग्रेजुएशन हम भी है, ITI भी है, पॉलिटेक्निक भी कर रखी है, उन्होंने भी ये कर रखी है, पर अभी आप का ठप्पा लगा हुआ। अभी आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किस पोस्ट पर हैं? मैं LG में काम कर रहा हूं। किस पोस्ट पर? लाइन पे काम कर रहा हूं। आपका शुभ नाम भैया? भैया सचिन कुमार। आप इसी नेताजी सुभाष चंद्र पोलिंग में ही वोट डालते हैं? जी जी बिल्कुल भैया। आपकी ये लोकल इश्यूज हैं, शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर आपका क्या कहना है? शिक्षा के मामले में तो भैया देखो, हमारे गांव का नाम पहले भी रहा, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो बहुत ज्यादा माहौल इस समय खराब हो चुका है। कोई टीचरों की कोई व्यवस्था इतनी है नहीं, खास टीचर हमारे गांव में जो है अभी कम पड़े हुए हैं। बाकी यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ भी 2 ही कमरे बने हुए हैं। बाकी जो है कई बार हमने यहाँ अथॉरिटी में भी लेटर लगवाए हैं, वहाँ मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है वहाँ से। आपका शुभ नाम? लक्ष्मण टाइगर। लक्ष्मण टाइगर जी, आप पोलिंग ये आपकी नेताजी सुभाष चंद्र जी होगी? जी जी जी। आप युवा होने के नाते क्या क्या समस्याएं महसूस करते हैं अपने गांव में? समस्या क्या, सारी सी समस्या है, विधायक जी तो किसी की सुनते नहीं है, और जितने भी रोजगार हैं, बच्चे युवा सारे ठाली है बिल्कुल, और कोरोना का ठप्पा लगा दिया ना भाई, कोरोना की वजह से सब पिटा पड़ा, ऐसे कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं जी? अभी तो 12th पास है, कॉलेज की वो भर्ती देख रहे हैं। हाँ जी भर्ती देख रहे हैं। तैयारी करो, दौड़ वोड़ लगा, दौड़ वोड़ की जी, हाइट वाइट वगैरह ऐसे ना कोई आर्मी जी, अपने क्लर्क में तो कंपनी वगैरह में जॉब वॉब देख रहे हैं। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं? 12th आपने की है, क्योंकि अब तुम्हारा जो समय चल रहा है वो एक लाइफ को सेटल करने का समय चलता है, तो आपने क्या सोचा? ये सोचा क्या है, कंपनी में अगर जॉब वॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जॉब तो कहीं है ही ना। कंपनी के अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह, या सिर्फ कंपनी, यहाँ का युवा सिर्फ कंपनी तक ही सीमित है? नहीं, गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी चल रही है अभी। किसकी? देखो अभी तो बी फार्मेसी को कोर्स करने की सोची है। मोहित टाइगर सर। क्या नाम? मोहित टाइगर। तो टाइगर सरनेम है या एक टाइटल? आप क्या करते हैं? मेरी सर जिम है अपनी। जिम, तो जिम की ट्रेनिंग देते होंगे, यहाँ के युवा आपके जिम में जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे गांव के मेरे पास ही आते हैं अपने गांव के। और आप जैसे जिम है, कोरोना काल में आपने जिम बंद किया था या चलता? बिल्कुल बंद हुई जी, बिल्कुल। कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन? बिल्कुल गाइडलाइन पालन किया था। आप रोजगार की स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप जिम ओनर हैं, युवाओं से मिलते होंगे तो अलग अलग फीडबैक आते होंगे, तो आपका क्या सोचना है युवाओं के रोजगार? बिल्कुल जी, इसमें देखो जी, पूरे गांव के जो नए यूथ हैं बिल्कुल बेरोजगार हैं, और हेल्थ को लेके भी बहुत वाती प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रनिंग के स्टेडियम नहीं थे। भाई अभी फिलहाल में वो कोशिश कर रहे हैं कि स्टेडियम वगैरह बने। आपका शुभ नाम? दिवाकर शर्मा। आप क्या युवा होने के नाते, क्योंकि युवाओं का हर पार्टी का युवाओं पर फोकस रहता है, एक युवा ही बदलाव लाता है जल्दी, सोशल मीडिया के माध्यम से हर पार्टी युवाओं से जुड़ती है, तो आप किन किन समस्याओं का यहाँ महसूस करते हैं कि सबसे बड़े इश्यूज ये हैं और वो उनका रिजॉल्व होना बहुत मैंडेटरी है 2022 के चुनाव से पहले? देखो, सबसे मेनली प्रॉब्लम हमारी बेरोजगारी। ये लोग बोलते हैं, इससे गवर्नमेंट ने हमसे बोला है कि यहाँ पे उद्योग लाएंगे, हम उद्योग का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो लोग एक चीज के साथ हायरिंग करते हैं कि आपके पास ITI है क्या? ITI कंपलसरी है किसी कंपनी में जॉब करने के लिए? कोई बंदा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या उसके पास, वो अनएजुकेटेड है क्या, उसको उस कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी? अगर ये लोग ये चाहते हैं कि कोई ITI वाला बंदा जॉब करे, तो इससे पहले हायरिंग करने से पहले बाहर बोर्ड लगा दिया जाए या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराए। जैसे हमारा एक सेमिनार का आयोजन हुआ था, वहाँ पे BJP के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये बताया था कि विधानसभा में 40% रोजगार का जो जितने भी इंडस्ट्री हैं विधानसभा दादरी के अंदर, उनको प्रस्ताव पास हुआ है, क्या वो ग्राउंड लेवल पर कितना दिखता है? देखो, अगर विधानसभा की बात करी जाए तो हम अपने स्थानीय विधायक के भरोसे बैठे हैं। क्या होता है कि अगर हम यहाँ से किसी कंपनी में जॉब के लिए जाए तो एक लेटर पैड बनवाते हैं हम अपने विधायक से, उस वो विधायक लेटर पैड बना देते हैं, लेकिन उस लेटर पैड की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में आप
प्रत्याशी की जाति देखकर वोट करेंगे या डेवलपमेंट की मांग करेंगे? देखो, डेवलपमेंट के अंदर जाति मायने नहीं रखते। पहली बात यह है, अगर हमारे यहाँ से वही विधायक आते तो हम सीधे बोलते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। अगर लीडर चेंज होता है हमारी विधानसभा में तो हम वोट करेंगे बीजेपी। प्रत्याशी चेंज होगा, प्रत्याशी चेंज होगा तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। अगर चेंज नहीं होता तो फिर हम कोई दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या? सेकंड प्रायोरिटी, अगर वो तो लीडर पे डिपेंड करता है ना कि पार्टी किस लीडर को मैदान में उतार दिया।